सब एकदम बढ़िया छन। तुम बताओ वहां से छपवा ही नहीं का। अब देखते हैं नीचे भी रहा गिलो तो मित्र। अभी वाह लग गई नजर। अब इसको तोड़ना पड़ेगा। हे फैमिली गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। सो गाइस आज है फर्स्ट नवरात्रि और आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं बहुत सारी। और आज मतलब अभी आपको पता है जैसे मैं क्या था अभी जब छोड़ने के लिए तो प्रेयर में बोला कि आम के पत्ते लेके आने हैं तो हमारे तो बगल में पेड़ लगा हुआ था पहले तो हम वहीं से तोड़ लेते थे बट अभी बस लेके आ गया। अब इसको देता हूँ और अंदर प्रिया मंदिर में सारी सफाई उसकी कर रही है तैयारी कर रही है पूरी बिकॉज वैसे तो ये काम मम्मी और पापा करते थे। मम्मी पापा के बाद बड़े हमें ना तो हम करेंगे। बड़े भी हमें और घर में भी हम ही है। कोई और भी नहीं, नहीं है चाहे घर में कोई हो नहीं हो नवरात्रि में हमेशा रहते हो। तो पिछले बार हर्षी और अनीस मेरे छूट गए थे पर चलो इस बार से फिर से शुरुआत हो गई मेरी। ये लीजिए आम के पत्ते लाइए इनको धोखे लाइए ऐसे नहीं। ओहो ठीक है जी। और एक प्लेट और ये थोड़े नहीं इसको ये भी अंदर आने के लिए करता है पता है ये पूजा करेंगे ना बैठ जाएगा वहाँ पे। वो तो ठीक है लेकिन मेरे पैर के पीछे मुझे पता नहीं लगा ऊपर ध्यान से देखो हर्षी सोई है ना। हाँ। चलो ठीक है इसको तोड़ना नहीं है धोखे लाना ठीक है ओके। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पंडित जी के पास क्योंकि हर्षी की हमने कुंडली बनवाने के लिए दी थी तो वो भी लेके जाना है वो मतलब लेने जाना है और मथा भी टेक लेना है पर ये अच्छा होता है शुभ होता है इसलिए थोड़ा सा कुछ ले लेंगे। और मैं हर नवरात्रि में लेती हूँ जब भी नवरात्रि का फर्स्ट दिन आता है ना उस दिन लेते हैं अच्छा होता है शुभ माना जाता है तो इसलिए ले लेंगे थोड़ा सा कुछ देख लो। हाँ मैं भी यही सोची यही कहने वाली थी मैं भी हर्षी के लिए ले लेंगे ये हर्षी हमारी लक्ष्मी है ना जिया के लिए भी ले लेंगे। मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ ये देखो कितने बढ़िया आज कितने अच्छे लग रहे हो फॉर्मल के नीचे बस ये बताओ चप्पल कौन पहनता है। तो मैंने बोला जल्दी जल्दी करो तो आप ऐसे आ गए चप्पल देखो ये हो गया। इनकी वजह से आज क्या पता क्या हो रहा है मुझे हर्षी की वजह से जो भी मेरा शॉपिंग वाला काम है ना दो मिनट में निपटाना पड़ रहा है बताया आपको। चलो हो गया। और ये देखो ये भी मजे ले रही है डैडी की गोदी के। चलो अब जल्दी से चलते हैं। सब एकदम बढ़िया छन। तुम बताओ वहां से छपवा नहीं का और क्या कर रहे हो मंदिर में मथा टेक लिया। मंदिर में मथा टेक लिया अच्छा पूछ लिया ओके नाइस। दूध भी रहता व्रत है ना व्रत रखा है व्रत जनक चाचू ने। हाँ गौतम चाचू आने के बाद ना सबकी जो सबको मारेंगे मिलके है ना। जी जी चाचू के व्लॉग देखती है व्लॉग देखती है तुझे तो इनके ब्लॉग्स आपको देखने को मिल जाते होंगे। इन्होंने भी चैनल खोला है आप वहाँ पर इनके ब्लॉग्स देख लिया करो। बाकी अगर इनको नहीं मिल रहा है लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको तो पता ही है और बाकी एनके ठाकुर करके इनकी आईडी है वहाँ से मिल जाएगा। अभी प्रिया का पार्सल आया पता नहीं क्या मंगाया उसने देखते हैं लेट्स सी कुछ है काम की चीज़ के नहीं है पता नहीं क्या क्या मंगाती रहती है स्पाइकी देख क्या मंगाया देख पता नहीं क्या मंगाया उसने। व्हाट इज दिस यस आ गया पैसा भी दे दिया मैंने। हाँ
क्या मंगाया था? मंगाया है कुछ, देखती हूँ। हाँ पहले ये कर लो, ये अनुपमा, एक तो ये है पता नहीं जहाँ ये दिख जाती है ना, तो मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई, इतने ड्रामे करते हैं। जाते मैं अनुपमा जैसी बन, नहीं कोई जरूरत नहीं है मेरी तरफ से, ना है, बहुत 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 थैंक यू आपको, सॉरी, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है आपको मेरे ऐसे बनने की, अब जैसी हो वैसी मेरे को बहुत ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं तेरे को, मत बनना इसी। आप क्यों बन रहे हो? मैं बता रहा हूँ, मैंने मंगाया क्या हर्षी के लिए, कर करके गद्दा खराब कर देती है। आधे गद्दे जिया ने खराब करे, अब आधे ये, तो ये है वाटर प्रूफ बेडशीट। अच्छा, देखते हैं सच में है कि इससे तरपाली बिछा लेती। वो जो आपके टाइम में बिछाया था। ये इस ऐसे में मजा नहीं आया। सही बात है, पता है जब हम छोटे छोटे थे ना, ऐसे लिफाफे होते थे, ऐसे लिफाफे बिछाते थे हमारे मम्मी लोग, ऐसे लिफाफे बिछाया बेड के नीचे और इसके ऊपर चादर बिछाते, तो बैठ जहाँ पे बैठो ना वहाँ चढ़म 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 कर। पर आजकल का जमाना बदल चुका है, आजकल तो चादरें भी ऐसी आने लग गई हैं। देखते पानी लाओ गिलास में, पानी लाओ ना, दूध का दूध और पानी का पानी ले 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 प्रिया ले। अरे बाहर आ, बाहर गिला, बिस्तर गिला होएगा बाहर तो। अरे वही तो चेक करना है। अच्छा, गिला हो गए तो चला जा बाहर, चली तो। अच्छा ये भी सोच रहे होगे ना कि मैं से करवाएगी करके, पांच गिला हुआ। कोई बात, कोई काम नहीं किया ये। चादर में डालने के लिए बोला था मैंने पागल जैसे। अभी डालता हूँ नहीं हो रहा है प्रिया, ये कोई हम होली नहीं खेल रहे, ठीक है? सेम टू सेम, पंगा नहीं, मैं भी कर सकती हूँ। यार नहीं हुआ गिल्ला, पता है ये देखो, हाथ दिखा नीचे, हाथ दिखा, दिखा दूँ? हाँ सच्ची, हाथ दिखा ना। हाँ सही में नहीं हुआ, सही में नहीं हुआ, ये देख लो आप खुद, हाथ डालो नीचे। चलो 500 रुपए की है चादर तो। एक काम करते हैं, अब पता लगेगा हुआ नहीं हुआ, इसको पकड़। पहले क्या करोगे मुझे बताओ, तभी तो कैमरा तेरे को पकड़ा रहा हूँ ना, पकड़ इसको। सारा मेकअप खराब कर दिया मेरा। मेकअप करना ही क्यों है, शादी में जा रही किसी की? सही है, मेकअप ना करो तो मेकअप करती नहीं है, मेकअप कर लिया तो क्यों कर लिया? अब क्या कर रहे हो? मैंने करा, वो यकीन नहीं हुआ उसमें। तेरे हाथ में पता नहीं लग रहा, अभी ये टिश्यू है, इसको इसके अंदर घुसाते हैं, तो इसके अंदर अगर भी लगाते हैं तो पता लगेगा। चादर ही गिल्ली मत करो, पूरी पूरी क्या कर रहा हूँ, हल्के से कर रहा हूँ इतनी सी। अच्छा टूटी चलाओगे? ये देख, देखो ना अगर हो रहा होता यार, पानी वो चलता, पानी इकट्ठा हो रहा है, देखो बड़ी सही चीज है। चलो गिरा दो, अगर गिल्ला होना होता हो जाता। वहां साफ करोगे? वाह, ऐसा लग रहा है जेब से निकाला है टिश्यू। क्यों ऐसे भी निकाल? मैं जादूगर हूँ क्या, वो फ्रॉड वाला? पर सही है, चादर सही है। तो अगर गाइस आप लोगों को भी चाहिए तो लिंक हम डाल देंगे, आप लोग भी मंगा लेना, बड़ी सही चीज है, क्योंकि जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके तो बिस्तर ऐसे हमारे तरह ही गिल्ले होते हैं, तो सही है, इसको बिछा के ना सही रहेगा। और ये सबसे छोटे बच्चे तो ये हैं जो बार बार पानी गिरा देते हैं बिस्तर में। ये इसकी तो मैगी चल रही है, क्या वो नहीं खाया जा रहा है? क्यों? अब मिर्च लग रही है अभी अभी। वाह लग गई नजर, तेरी नजर लगी है, मेरी नजर क्यों लगी? आपकी लगी है, बर्तन रखा है ना आपने, डगल लग रही होगी आपको। सही में तो खाने का बड़ा मन करता है पता है, पर पता नहीं कैसे, पर आपको उठा 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 दो यार। तो मुझे सूट सिलवाने के लिए इतना घूमना पड़ रहा है ना, अभी मैं आई गौतम भैया के साथ, क्योंकि अभी हर्षी बहुत रोने लग जाती है ना, इधर उधर ज्यादा लेके जाओ तो लड़ू, अभी उनका ध्यान रख रहे हैं दोनों बच्चों का ध्यान वो रख रहे हैं, तो मैं अभी आई हूँ यहाँ पे। इस टाइम पे ना मैं पापा को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, अगर पापा घर पे होते ना बोर हो गए बेचारे, बोल रहे बैठे बैठे नींद आ रही है, यहाँ देखो कितनी नींद आ रही है। तो चलो फाइनली यहाँ पे हो गया, दो सूट तो यहाँ पे दे दिए मैंने सिलने के लिए, अब थोड़ा आगे जाती हूँ वहाँ पे भी देखती हूँ, घर जाके खाना बना रहे हैं, डरू तो भूख के मारे पागल हो गए। चलो फाइनली सूट हो गए मेरे सारे, टेंशन खत्म, अब सब्जी लेने आए हैं। मूली कैसे थी भैया? 3 रुपए किलो। तो अभी देखते हैं घर पे क्या हाल किया हुआ है बच्चों ने। ये अरे अरे मामी ने पकड़ा है, चलो रो तो नहीं रही थी। इसके डैडी कहाँ है? वहाँ पे। हाँ कमरे में? कमरे में। ये देखो
क्या खिला रहे हैं, जाके सो रखे हैं ये। वाह, ऐसे संभाल रहे हैं बच्चों को। तो चलो सारा काम हो गया है, अब मैं फटाफट से नहा लेती हूँ और नहाने के बाद खाना बनाती हूँ। बेचारे भूख के मारे सो गए हैं, भूख बर्दाश्त नहीं होती ना इनसे, तो इसीलिए मामी को बुलाया, हर्षी और जिया को मामी को दे दिया कि इनको शांत करा लो, चुप करा लो करके अपना सो गए। तो अभी पूजा कर ली है और अभी व्रत तोड़ने का समय आ गया। अभी बस अभी आ रही है प्रिया खाना लेके मस्त मस्त। अभी खाने में बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया ना, तो मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी और आजकल तो मेरी भूख ज्यादा, मतलब आजकल बहुत ज्यादा भूख लगती है मेरे को। और जिम के बाद जैसे वर्कआउट करके आओ तो बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं होती बिल्कुल भी। ओ माय गॉड, खाना आ चुका है, क्या बात। और हाँ, इतना बताने बोले कि आज हम नीचे बैठ के खाना खाने, क्योंकि आज नहीं, जब व्रत होता है ना तो नीचे बैठ के खाते, क्योंकि अब मैं वही बताने वाला हूँ कि नीचे बैठ के प्रियन बोला नीचे बैठ के खाओ, तो क्योंकि जो व्रत होता है नीचे बैठ के खा रहे हैं, ऊपर जो है बैठ गंदा है और ऊपर पता नहीं खाना पीना होता है, तो एकदम आराम से अच्छे से डाइनिंग टेबल पे भी नहीं बैठ रही है। डाइनिंग टेबल पे बैठ सकते हम? नहीं, क्यों? नीचे ज्यादा शुद्ध हुआ है ना, डाइनिंग टेबल पे हम वैसे भी खाते हैं, जूठा उठा अच्छा नहीं लगता है। नहीं, हम साथ में व्रत रखा है, साथ में तोड़ेंगे, साथ में खाएंगे। तोड़ना नहीं होता है, व्रत खोलना होता है। सॉरी गलती, माय मिस्टेक, व्रत खोलना। तो अब ये आ चुका है खाना, इसमें है भात और ये मूली की चटनी, खीरा, दाल, दूध, चलो ठीक है, चोखा खाना और ये पानी।